अब हमारी क़यादत ने यह फैसला किया है कि हम खुद लड़ेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे। अरे पूरे विधानसभा चुनाव में आप लोग कहते कहते थक गए कि हम सरकार को हटा लेंगे, तो लिहाजा इस बार हम जो है MIM को वोट ना दे करके जो है हम समाजवादी को, उनको कैसे समझाएंगे जो लोग चले गए हैं, उनको कैसे लाएंगे अपनी तरफ? वो आएंगे, आ रहे हैं और आते जाएंगे, क्योंकि उनका जो एक मिथ था, भ्रम था कि हम हटा लेंगे सरकार, हम जो है समाजवादी को ले आएंगे, वो नाकाम हो गए इसमें, तो उनके हौसले पस्त हैं, तो लिहाजा उनको भी जो है पछतावा हो रहा है, वो अब हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी मरहम पट्टी लगा के उनको अपने साथ लेकर आएंगे। आम के बगीचे में खड़े हो, आम गिन रहे हो, याद है ना, मालूम है आम खाते तो लोग है लेकिन छिलका निकाल के फेंक देते हैं। नहीं, लेकिन अब हम लोग जो क़यादत करेंगे उसमें आम का भी पैसा मिलेगा, उसमें बगले का भी पैसा मिलेगा, उसमें गुठलू का भी पैसा मिलेगा। शेर से बात में बात शुरू करते हैं कि गए वो दिन जो गए वो दिन जो हवाओं से खौफ खाते थे। अच्छा, हवा से कह दो चरागों से होशियार रहे। सलाम नमस्कार, मैं मोहम्मद सैफ और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव है, उससे पहले माहौल क्या है ये जानने के लिए हमारी टीम जो है अब धरातल पर उतर चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके दिलों में क्या है, क्योंकि विधानसभा जब चुनाव हुआ तो लोगों का ये माइंड में बैठ चुका था कि 10 मार्च अखिलेश आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश नहीं आ पाए। वहीं दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो कार्यकर्ता थे, उनके जुबान से यही निकल रहा था कि हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, BJP सरकार बना चुकी है। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं बहुत सारे लोग हैं, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर आप लोग कैसी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर निगम चुनाव को लेकर तो हम लोग की तैयारी पिछले 1.5 साल से चल रही है, लगातार धरातल पर हम लोग जो है काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपने संगठन को लगातार मजबूत पर मजबूत करते जा रहे हैं। अब रही बात समाजवादी सपा और BJP कांग्रेस, ये तो सब हम लोगों ने पहले इनको वोट दे के आजमा चुके हैं, सब लोगों ने इनको वोट दिया, इनसे हमें हासिल कुछ नहीं हुआ, तो लिहाजा अब हमारी क़यादत ने यह फैसला किया है कि हम खुद लड़ेंगे, अपने लिए मेहनत करेंगे और अपने मुकद्दर के फैसले खुद करेंगे। हम पहले जो मेहनत दूसरों के लिए करते थे, झंडा उठाएं, डंडा उठाएं, रैली करें, अरे पूरे विधानसभा चुनाव में आप लोग कहते कहते थक गए कि हम असदुद्दीन अवैसी सीट निकाल रहे हैं, कहाँ निकाल रहे हैं? देखिए, उसमें ये हुआ कि जो है जो मुसलमान की जो आला क़यादत यहाँ जो UP की थी, ज़्यादातर मुसलमानों के दिमाग में ये आया कि इस बार हम मोदी से ये भाजपा सरकार को हटा लेंगे, तो लिहाजा इस बार हम जो है MIM को वोट ना दे करके जो है हम समाजवादी को वोट दें और ये भाजपा की सरकार हटाएं। इस भ्रम में मुसलमानों ने सारे के सारे, हमारे अपने लोगों ने भी जो है हमारा साथ छोड़ करके, सिर्फ इस भ्रम में जो है समाजवादी को वोट दिया। उनको कैसे समझाएंगे जो लोग चले गए हैं, उनको कैसे लाएंगे अपनी तरफ? वो आएंगे, आ रहे हैं और आते जाएंगे, क्योंकि उनका जो एक मिथ था, भ्रम था कि हम हटा लेंगे सरकार, हम जो है समाजवादी को ले आएंगे, वो नाकाम हो गए इसमें, तो उनके हौसले पस्त हैं, तो लिहाजा उनको भी जो है पछतावा हो रहा है। हाँ, वो अब हमारी तरफ देख रहे हैं, यानी मरहम पट्टी लगा के उनको अपने साथ लेकर आएंगे। जरूर लाएंगे, जरूर लाएंगे, उसके लिए हमें उनके जाना पड़ रहा है, मुलाकातें करनी पड़ी, हम सब करेंगे, क्योंकि अब 70 साल से जो है यही चल रहा है कि इनको वोट दो, इस बार हमको जिता दो, अगली बार तुम्हें जिता देंगे, लेकिन ये इंतहा थी नहीं। MIM वालों के पास एक हुनर नहीं है जो नेताओं के पास है, पहुंचते के साथ दरवाजे पर। नहीं, MIM वालों के पास झूठ बोलने का जो है हुनर नहीं है, ये झूठ हम लोग नहीं बोल पाते, हमारा मौकिफ एकदम क्लियर है, आर या पार, हमें वोट दो, जिनको तुमने वोट दिया उन लोगों ने तुम्हारे लिए क्या किया और हमारे पास क्या जो है मंसूबा है फ्यूचर प्लानिंग विकास की, क्या कहते हैं भाई? MIM के पास ये नहीं होगा जो पहुंचते हैं दरवाजे पर लेट जाते हैं नेता। नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अब देखिए, हमने अपने पूरे इरादे पूरे मजबूत कर लिए हैं रात दिन मेहनत करके, अब हमें किसी की दरी बिछाने की, किसी की दस्तरखान उठाने की जरूरत नहीं है, अब हम अपना खुद दस्तरखान लगाएंगे, खुद खाएंगे और दूसरों को भी उस दस्तरखान पे लाएंगे। हाँ, आम के बगीचे में खड़े हो, आम गिन रहे हो, याद है ना, मालूम है आम खाते तो लोग है लेकिन छिलका निकाल के फेंक देते हैं। नहीं, लेकिन अब हम लोग जो क़यादत करेंगे उसमें आम का भी पैसा मिलेगा, उसमें बकरे का भी पैसा मिलेगा, उसमें गुठलू का भी पैसा मिलेगा, छिलके बकरे को खिला देंगे। नहीं, बकरे को नहीं, उसका पैसा गरीबों में बांट खाएंगे, सब कुछ सबका सबके से ये सोचा जाएगा। हाँ, क्योंकि हमारे इस्लाम में ने यही सिखाया है। हाँ, कि हमें खुद भी जीना है। लगता है MIM अब पूरी तरीके से ताकत झोंकेगी उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव में? झोंके के नहीं, पूरी झोंक चुकी है। जो झोंकना था खत्म हो गया, लेकिन अब पूरी झोंक चुकी है, अब वो उभर रही है। जो जितने सपा वाले थे, सपा में जितने भी मुस्लिम थे, जितने भी दलित थे, वो सपा में थे, लेकिन अब जान लिया है कि सपा में कुछ कुछ है नहीं, कि सपा में सिर्फ मुस्लिम
सोचता था हम उठा लें सपा को, सपा को उठा लें, सपा जीतेगी, सपा जीतेगी, सपा सपा, लेकिन सपा हो गई सफा, सपा हो गई एकदम सफा, कि एकदम सफा है। अब सिर्फ MIM है, MIM है, सिर्फ MIM खाली है पूरा विधानसभा में, MIM, लेकिन MIM एक भी सीट नहीं निकाल पाई है। हाँ, एक सीट नहीं निकाल पाई है, हमारे मुसलमानों की गलती है इसमें बहुत बड़ी, इसलिए सीट नहीं निकल पाई है। लेकिन ये भरम टूट गया कि हम समाजवादी को जिता लेंगे, तो इसलिए टूट गया, भरम टूट गया, भरम टूट गया भैया, भरम टूट गया बिल्कुल। जो इनका झूठा आम के बगीचे में पहुंचे सर्वे, ये देखिए हमारे पास जो है, हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी आ चुके हैं, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष हैं आफताब अहमद साहब। ये बताइए, यहाँ पर तो मैंने देखा लोगों से जब राय लिया, ये लोग बता रहे हैं MIM आपकी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश की सियासत में नगर निकाय के चुनाव को लेकर, अब आप भी आ गए, आपके मन में क्या है? हम एक शेर से बात में बात शुरू करते हैं कि गए वो दिन जो गए, गए वो दिन जो हवाओं से खौफ खाते थे। अच्छा, हवा से कह दो चरागों से होशियार रहे। अभी तक जिनको तुमने वोट बैंक समझ करके इस्तेमाल किया है उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि तुम फ्रॉड कर रहे हो हमारे साथ में। तुम BJP को नहीं हराना चाहते हो, अपनी सत्ता को पाना चाहते हो, इसलिए तुमने मुसलमानों को बेवकूफ बना करके वोट लेने का हमेशा काम किया। अब तुम्हारा फंडा नहीं चलने वाला है। अब MIM पार्टी आ चुकी है और जो हमारे हर मसले पर और असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे तमाम लीडर्स आवाज उठाते हैं दलितों के लिए, वंचित समाज के लिए, गरीबों के लिए और यहाँ पर मजदूर किसानों के लिए, अब आवाज वही रहेगी असदुद्दीन ओवैसी साहब की और सारे लोगों की आवाज गायब हो जाएगी। तो लखनऊ में क्या करने वाले हैं कुछ नया बताइए। लखनऊ में बहुत ताकत के साथ में हम नगर निगम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, नगर निकाय चुनाव बहुत ताकत के साथ, ताकत के साथ में, और उसका रिजल्ट बताएगा जब इसका वक्त आएगा कि हमारी कितनी ताकत है। ताकत बताएंगे लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को भी समझाएंगे जो काट उड़ उड़ के चले गए समाजवादी को वोट दे दिए थे। ऐसा नहीं है। हाँ। मसला ये है कि वो सिर्फ क्योंकि BJP हुकूमत इतना जुल्म कर रही है उसको हराने के लिए। सब ने यही कहा कि भाई अखिलेश जो है सेकंड पोजीशन पे हैं, उनको लाओ, उनकी सरकार बनाओ। ये BJP से आपने किसको वोट किया था? हम सवाल ही पड़ता, हमारा मध्य से सलमान लड़ रहे थे, मोहम्मद सलमान, हमने उनको वोट दिया पतंग के निशान के ऊपर। भाई जो जिनका सभी लोगों ने जो है MIM कोट किया था, जी मैंने भी दिया, आपने भी दिया जी, जी। तो हार कैसे गए हम नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए हार या जीत अल्लाह जाने कैसे हुआ। हाँ। लेकिन यह है कि उनका फंडा अब नहीं चलने वाला है, जो अभी तक के बेवकूफ बना रहे थे। हाँ। वो बेवकूफ बनाना काम खत्म हो गया उनका। हाँ। अब उनका फंडा नहीं चलेगा। मुसलमानों ने तय कर लिया है कि अब अपनी सियासी ताकत होनी चाहिए, MIM के झंडे के नीचे सब इकट्ठा है और ये आने वाले वक्त में बता दिया जाएगा। तो ये MIM के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद थे, बहुत सारे लोग मौजूद थे जिनसे हमने एक एक करके सवाल पूछा कि नगर निकाय के चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी की जा रही है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे 24 तक न्यूज। कैमरामैन अभिजीत के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।